थोड़ा तो अच्छा सा तो देख लें सबको तो अच्छा लगेगा मतलब हम अपने अपने कैमरे को खोल सकते हैं हाँ तो ताकि आगे फिर ये लगेगा सबके कैमरे बंद है तो लगता है अंधेरे कमरे में बोल रहे हैं ऐसा ना लगे हाँ ये है तो बहुत अच्छा हाथ जोड़ के फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सबको प्लीज एक्सेप्ट माय रिस्पेक्ट तो आज के सेशन में चलेंगे और हल्का सा रिकैप एक बार देख लें हल्का सा रिकैप ये है कि आज हम लोगों ने बातचीत की अबाउट द फॉर्मेट्स ऑफ द रेडियो प्रोग्राम और हम लोगों ने बात किया डॉक्यूमेंट्री डॉक्यू ड्रामा मैगजीन है न फीचर वॉक्स पॉपुली ये सारे अलग अलग हमारे आज के फॉर्मेट थे तो हमने इसके बारे में बातचीत की थी और एट द सेम टाइम आज हम लोगों ने यह बात किया हाउ टू राइट फॉर द रेडियो हाउ टू राइट फॉर द रेडियो उसने ये देखा था कि राइटिंग फॉर रेडियो इज बेसिकली राइटिंग फॉर द इयर है ना कानों के लिए लिखना शायद यह शब्दावली या ये वाक्य बहुत पहले नहीं सुना होगा लेकिन यह शब्दों का एक नया प्रयोग है वी राइट फॉर द वी राइट फॉर द ईयर स्पॉट वी राइट फॉर द ईयर हम का, uh, हम कानों के लिखते हैं रेडियो के जब लिखें तो ये जरूर बोले कि रेडियो के लिखने का मतलब ही ये होता है कि रेडियो की जो स्क्रिप्ट है और मैं तो ये बोलता हम तो कानों से दिखाते हैं जी है ना कानों से दिखाना भी एक बहुत बड़ी विधा है क्योंकि हम लोगों को आ, उनकी कल्पना के अंदर लेकर के जाते हैं जस्ट मैं रिकेप कर रहा था और अब आगे आते हैं आज के टॉपिक में आते हैं आगे और आज हम बातचीत करेंगे देखिए सारी बातें तो हमने कर ली ना वट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है रिकॉर्ड कैसे करें सुन तो लिया सर सारी बातें जान गए ये डॉक्यूमेंट्री है ये है, ये ड्रामा है स्क्रिप्ट है एवरीथिंग वी हैव कम अक्रॉस नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू रिकॉर्ड एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर व्हिच वी कैन यूज सॉफ्टवेयर बार बार नहीं बोलूंगा बेसिकली इट इज द ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओके तो आज हम सॉफ्टवेयर की बातचीत करेंगे और आप देखेंगे कि यू कैन डू द मिरेकल्स यू कैन डू द मिरेकल आपने कभी ये देखा है कोई अगली रॉक बहुत बड़ी बहुत बड़ी चट्टान है है ना बहुत बड़ी चट्टान है देखेंगे तो उसमें खूबसूरती नहीं बहुत खूबसूरत नहीं होता है लेकिन अगर ध्यान से देखें तो खूबसूरती उसके अंदर छिपी हुई है आ, उसको डिस्कवर करना पड़ता है और, और उसको डिस्कवर कैसे करेंगे व्हेन वी रिमूव द अननेसेसरी अनावश्यक हटा दें तो सुंदरता प्रकट हो जाती है ये है तो जो विधा है वो यही है जिंदगी के अंदर भी यही दर्शन काम करता है तो एक शिक्षक का काम क्या है एक शिक्षिका का काम क्या है हमारा काम क्या है हमारा काम है कि बड़ा लगता होगा ना कि मालूम नहीं मतलब ये जो स्टूडेंट है इससे क्या होगा कुछ कर पाएगा कि नहीं खोपड़ी में घुसते ही नहीं नॉलेज है ना बहुत सारी बातें आ सकती हैं बहुत बार लेकिन आप देखेंगे बदसूरत दिख रहा है बेशक लेकिन ये मेरी आंख का कमाल होना चाहिए कि मैं ये देख लूं कि कौन सी खूबसूरती में उसे निकाल सकता हूं और क्या अननेसेसरी मैं हटा दूं ताकि वो खूबसूरत हो जाए और आप देखेंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े आविष्कार और ये सारी चीजें वो असफलताओं का ही परिणाम है एक छोटी सी घटना से स्टार्ट करूंगा एंड देन वी विल कम इमीडिएटली टू टू द सेशन सोचने का एक तरीका और एक बार फिर से एक्टिव हो जाएगा आप लोगों का की पैड वो चलते रहना चाहिए मैसेज होने से लगता है बात हो रही आ, बात हो रही है तो एक बहुत ही सुंदर है हाँ ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर वेरी गुड देखने का तो एक छोटी सी घटना बताता हूँ किसी फेलियर को सोचने का तरीका क्या है थॉमस एडिसन और आज हम इसी को रिकॉर्ड करेंगे थॉमस एडिसन ने जब बिजली का के बल्ब का आविष्कार किया तो उसे एक बात पूछी गई देर वॉज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस

बिजली का बल्ब जल रहा है लेकिन आप फेल कितनी बार हुए असफल कितनी बार हुए ध्यान से सुनिएगा तो उसने कहा टेन थाउजेंड टाइम्स टेन थाउजेंड टाइम्स ये जो आ, जो जर्नलिस्ट है उस वो भी आश्चर्य से भर गया टेन थाउजेंड टाइम्स आप असफल हो गए उसने कहा नहीं मैं असफल नहीं हुआ दस हजार बार मैं असफल नहीं हुआ लेकिन दस हजार बार मैंने उन सारे स्टेप्स को ढूंढा आई एक्सप्लोर दो स्टेप्स शन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब राइट मतलब मैंने असफलता के लिए सोचने का तरीका कितना खूबसूरत है मैंने उन सारे स्टेप्स को ढूंढ लिया जो जो सफलता की ओर लेकर के नहीं जाती ये भी जीवन का एक अफरोच है राइट right? तो अब आगे चलते हैं और अब अब बातचीत करते हैं आज के सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ कर दिया अब नाउ हाउ टू रिकॉर्ड वट टू रिकॉर्ड शुरू में बोल दूं कि जो रेडियो का नहीं ये वाला नहीं एक दूसरा भी हम आएंगे सबसे पहले इसके सॉफ्टवेयर पर आएंगे जी दूसरा वाला नहीं हाँ ऑडियो ट्यूटोरियल होगा हाँ राइट तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि हियर वी सी उसको हम खोल सकते हैं यहां पर हम देखते हैं कि देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर एक तो है न्यूनडो आप नोट कर सकते हैं इसको न्यूनडो बेसिकली एक बहुत ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है और एनसीआरटी के अंदर हम इसी को यूज करते हैं न्यू इंडो uh, दूसरा है आपका कूल एडिट प्रो ये भी है और जो तीसरा है दैट इज अ लॉजिक प्रो ये भी एक सॉफ्टवेयर है और तीसरा है आपका क्यूबेस बहुत अच्छे ये सॉफ्टवेयर हैं गुड बट एट द सेम टाइम इनको uh, इनको यूज करने के पीछे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वी नीड टू हैव द लाइसेंस हमको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है इसके लिए हमको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है एंड वी हैव टू पे पेवी कॉस्ट तो uh, और ये भी इतना महंगा अगर आप खरीद भी लें और घर में स्टूडियो ना हो इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो इसको लेने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है ना so there is uh, uh, I must say no any purpose of purchasing all these uh, until you have a studio if you have a good studio if you have a good uh, infrastructure then only uh, it is worthwhile otherwise इसको use करने का मतलब नहीं studios के लिए बहुत अच्छे हैं और मेस और mainly जो हम लोग और mainly जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं mainly जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं we use Numento here in our studio है ना हम इसको यूज करते हैं तो आगे चलते हैं कि यहाँ पर तो सोल्यूशन नहीं हुआ तो वट इज द सॉल्यूशन नाउ वी कैन गो टू दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर वी सी और इस सॉफ्टवेयर के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं जी सर जैसा कि है ये सिटी सॉफ्टवेयर सोर्स सॉफ्टवेयर है अभी हमने जो बात की न्यू सॉफ्टवेयर की या कूल एडिट की जितने भी सॉफ्टवेयर की बात की वो सारे पेड थे और हमें उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है लेकिन अगर हम ओडा सिटी की बात करें तो ये फ्री अवेलेबल है और आप जैसा कि देख सकते हैं कि अलग अलग विंडोज के लिए अवेलेबल है मैक के लिए दिस इज आल्सो अवेलेबल इन के लिए दिस इज आल्सो अवेलेबल तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अवेलेबल है और इसके लिए आपको क्या है कि बहुत सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हम जहाँ सेटअप की बात yes, तो करें स्टूडियो yes. सेटअप की हाँ. अगर आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टू लर्न है इजी टू लर्न कह सकते हैं और इसके लिए हमें कोई मिक्सर की जरूरत नहीं है और इसके लिए अलग से कोई भी डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत ही यूजर फ्रेंडली यूजर फ्रेंडली वी कैन से ओडा सिटी सो आप ओडा सिटी अपने डेस्कटॉप में अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं और जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है तो देट इज ओडा सिटी सर तो ये ऑडेसिटी है और हम लोग रिकमेंड यही करते हैं कि क्योंकि अब आप रिकॉर्डिंग में आ गए हैं है ना हमने जान हमने हमने डॉक्यूमेंट्री जान जान लिया, जान ली ड्रामा लिया पॉपुली लेकिन अब रिकॉर्ड कहाँ तो रिकॉर्ड करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जैसा कि अभी विमलेश जी ने बताया इट्स अ वंडरफुल सॉफ्टवेयर यू कैन यूज दैट बट हाउ टू गेट इट दैट वी आर गोइंग टू सी एट फर्स्ट और क्या क्या फैसिलिटी ये देता है वैसे अगर मैं इसको इंस्टॉल कर लू या हमारे शिक्षक मित्र जो हैं इस समय उनके आ, इस समय उनके अंदर ये क्वेश्चन होगा यदि वो डाउनलोड कर लें तो उनको क्या क्या सुविधा मिलती है सबसे पहले तो सर हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं हाँ। ये आप डिफॉल्ट माइक्रोफोन से भी कर सकते हैं जो आपके सिस्टम में है लैपटॉप में लैपटॉप में, लै। में हाँ। हैं। हैं। आपके जो डेस्कटॉप में है उससे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाकर भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अच्छा तो और आप इसमें साथ साथ क्या कर सकते हैं यू कैन डू एडिटिंग ऑल्सो हाँ एडिटिंग से मतलब है कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो फंबल्स होते हैं बहुत सारी अनवांटेड नॉइसेस होती हैं अटक गए कहीं अटक खास गया खास दिया कहीं। या एक बार में नहीं बोल पाए रिपीट बोलते हैं अच्छा डायलॉग नहीं बोल पाए बिल्कुल बिल्कुल तो उसके लिए क्या करते हैं हम उसको अनवांटेड पार्ट को हटा सकते हैं रिमूव कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं तो एडिटिंग इज ऑल्सो अवेलेबल और एक और ऑप्शन क्या है कि आप क्या कर सकते हैं आप अपने फोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं फोन में रिकॉर्ड करने के बाद आप इसमें अगर सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते आप अपने फोन लीजिए आप फोन में रिकॉर्ड करने के बाद इसमें क्वालिटी और अच्छी आएगी अच्छी आएगी और आप डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हैं आपका अगर अच्छा फोन फोन uh, की साउंड कार्ड क्वालिटी अच्छी है तो अच्छा क्वालिटी आएगी फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं आप ऑडियो आपका रिकॉर्ड हो गया फोन में आप उसको अपने डेस्कटॉप में रख सकते हैं किसी भी एक फाइल में और फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन होंगे इम्पोर्ट करने के लिए वो इम्पोर्ट का ऑप्शन हम आपको बताएंगे इसके बाद जो नेक्स्ट बताएंगे कि आप इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं ऑडियो को इंपोर्ट के बाद फिर आप सारा फाइल जब मिक्स डाउन करते हैं तो उसके बाद हम ऑडियो को एक्सपोर्ट करते हैं हाँ, एक्सपोर्ट करते हैं तो और, हाँ. और इसमें ना आपको बहुत सारे ट्रैक्स भी अलाउ करता है ये आपको सिटी है हुँ. कि जैसे आप मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने अपने एक ट्रैक में अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर ली सेकंड ट्रैक में आपको लगता है कि थोड़ा सा ना म्यूजिक डाल देते हैं थर्ड ट्रैक में लगता है कि थोड़ा सा हम साउंड इफेक्ट्स डाल देते हैं तो ये आपको मल्टी ट्रैक्स आप इसमें यूज कर सकते हैं आ? और मल्टी ट्रैक्स में फिर आप क्या करते हैं कि एक टूल होता है दैट इज एनवलप टूल एनवलप टूल से क्या करते हैं कि आप बहुत सारे ट्रैक्स को जैसे तीन ट्रैक्स कर लिए तो ऑडियो कर लिया साउंड इफेक्ट्स कर लिए म्यूजिक कर लिया तो ये आपको एनवलप टूल से आप इसको मिक्स डाउन कर सकते हैं है हाँ, अब आगे चलते हैं आ, अगले आ, इसको देखते हैं कि अब बात है इतनी, इतनी इतनी फैसिलिटी तो हमने बता दी फैसिलिटीज जी ये से, से, कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं सब कुछ लेकिन हाउ टू गेट इट इसको लेने के लिए तो एक सबसे पहली बात है गो टू गूगल एंड टाइप आउटी डाउनलोड जी सर आप जब ये टाइप करेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा फिर आपके पास ऑप्शन होंगे इंस्टॉल दॉफ्टवेयर हाँ That is X 2. 2. हाँ. ये, आ, भी हो सकता है और या सेम भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप डिफरेंट डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है एक दो टूल इधर उधर अलग जगह पे हाँ जो तो हम तो बताएंगे तो, हो सकता है दिखे।, दिखे लेकिन क्या है कि थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी उसके लिए फाइंड आउट करने पड़ेंगे अभी कर रहे हैं तो आप यही डाउनलोड कर अभी कर रहे हैं तो आप फॉर दी टाइमिंग यही सेम ही डाउनलोड कर लेंगे तो इंस्ट्रक्शन आपको सेम फॉलो कर सकते हैं फिर आप और फिर आपको इंस्टॉल में ये आपको कुछ एक जो आपको दिखाई दे रही है यूनिट वो दिखाई देगी आप उसमें ये लेमे 3 .3 के लिए ले सकते हैं। और एक और अच्छी चीज क्या है कि अगर आप कुछ मिस कर देते हैं, तो इसके जो टूटोरियल है वो अवेलेबल है यूट्यूब पर भी अवेलेबल है तो वो आप वहाँ से भी आप इसको सॉफ्टवेयर को इजिली सीख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल आगे चलते हैं आपको ये बात पता चल गई होगी अब नाउ दिस इज द टाइम टू गो फॉर द uh, आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना तो अब क्या क्या करना है सो नाउ वी विल गो टू द सॉफ्टवेयर अगर आप ने डाउनलोड कर लिया है तो आप लोग भी uh, इस समय इसको खोल सकते हैं और अब हम वहां पर चलेंगे और अब हमको ये देखना है कि रिकॉर्ड uh, हम कैसे करेंगे एडिट कैसे करेंगे वी कैन गो टू द सॉफ्टवेयर नाउ ओपन सॉफ्टवेयर ये ऐसा आपको सिंबल दिखाई देगा हेडफोन है, जैसा दिखाई देगा आपको ऑडासिटी का जो आइकन है हम उसको ओपन करेंगे हम्म ये जब खुल गया अब आपके सामने ये आपका वर्किंग है, है पर काम कर रहा है और अब देखना है कि इसको कैसे कैसे करना है। जी है ना? Record कैसे करना है 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 ना तो एक रिक्वेस्ट होगा कि माउस की मूवमेंट को लगातार फॉलो कीजिए माउस को जब देखेंगे अब नाउ वी नीड टू रिकॉर्ड तो सबसे पहले हम जाएंगे अब थोड़ा तो स्लो बोलेंगे हम लोग वी विल गो टू फाइल फाइल के पास आप मूवमेंट को देख सकते हैं माउस का Uh, क्यूँकी अब एक नई रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं हुँ। तो वी विल गो टू न्यू 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 का मतलब एक नया प्रोजेक्ट बनेगा न्यू को जब क्लिक किया तो आपको ये ऐसा वर्किंग डायरेक्टरी दिखाई देगी हाँ तो आप ये सेम आपके पास अगर वर्किंग डायरेक्टरी आ गई है तो उसके बाद हम एक ट्रैक इम्पोर्ट करेंगे ट्रैक बनाएंगे नया जिसके लिए दोबारा से आपको फाइल में जाना है हाँ हम हम जाएंगे फाइल में फाइल में आ, नहीं हम हम जाएंगे ट्रैक में जाएंगे ट्रैक में आ जाएंगे ट्रैक में जब ऐड न्यू आप देख नू. रहे होंगे ऐड न्यू जब देख रहे हैं तो यहां पर पर आप, आपको आपको पर ऑप्शन मिल रहा है मोनो ट्रैक होगा या स्टीरियो ट्रैक होगा तो गो फॉर मोनो है ना track. तो हमको मोनो ट्रैक में काम करना है मोनो को क्लिक किया आपने तो ये हमें ट्रैक अपीयर हो गया हमारे वर्किंग डायरेक्टरी पे और अब हम इसके बाद हम जो आपको एक रेड बटन दिखाई दे रहा है जो रिकॉर्डिंग बटन जिसको बोल सकते हैं जहां आप आप माउस का मूवमेंट भी साथ साथ फॉलो कर सकते हैं तो 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 ये इसको हम 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 अगर प्रेस करते करते हैं हैं तो हैं हमारी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। तो अभी अभी एक एक देख लेते रिकॉर्ड करके। अभी हम एक करते हैं और रिकॉर्डिंग में हम ऐसा करेंगे Uh, कहानी का शीर्षक होगा कि यानी कला की खूबसूरती है ना ऐसा कुछ एक छोटी सी कहानी है करीब करीब दो मिनट दो मिनट की रिकॉर्डिंग रहेगी तो इस समय हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं ओके तो तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट सबसे शुरू का हिस्सा पहले हम लेंगे uh, सबसे शुरू का हिस्सा uh, मैं यहाँ पर रखता हूँ बाद का जो कहानी का हिस्सा है वो आप लें स्टार्ट करते हैं अच्छा तो रिकॉर्ड करने के आप देख रहे होंगे माउस को जैसे रेड को हम क्लिक करेंगे ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी लेकिन इम्पोर्टेंट है कि रिकॉर्डिंग करने से पहले एक स्क्रिप्ट आपकी रेडी होनी चाहिए स्क्रिप्ट के बिना हम स्पॉन्टेनियस रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए हमें अगर हम स्पॉन्टेनियस करने बैठेंगे तो क्या है कि बहुत ज्यादा चीजें ऐसी होती हैं कि एक तो फंबल्स बहुत ज्यादा होंगे रिटेक्स बहुत ज्यादा होंगे एडिट करने में भी परेशानी होगी और ऐसा भी होता है कि हम कंटेंट से कहीं भटक जाए सर हाँ, भटक सकते हैं बिल्कुल तो इसलिए हमारे पास बिफोर रिकॉर्डिंग सबसे पहली प्रैक्टिस हमें क्या करनी है कि हमें उसको लिखना है स्क्रिप्ट में लिखना हाँ, है हाँ। और उसका ड्यूरेशन जरूर चेक करना है कि वो कितने मिनट तक की रिकॉर्डिंग जा रही है आपकी हाँ, रफली एक ले आप एक आप आप आईडिया पेज में कितना जाता है आप एक रफली आइडिया ले लीजिए उसके बाद ही आप रिकॉर्डिंग कीजिएगा जी सर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप टाइप करते हैं तो आपको पता चलता है एक पेज में इतने वर्ड हैं हम्म तो इतने वर्ड पढ़ने में कम से कम अगर हम चाहते हैं कि तीन मिनट का हो तो एक आपको अंदाजा, अंदाजा हो जाता है तो नाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड और इस समय देखेंगे कि uh, is now going to the record option और अब स्टार्ट करते हैं। क्लिक करते हैं इसको आप सभी श्रोताओं का आज के पॉडकास्ट दोबारा टेक <laughs> टू आप सभी श्रोताओं का आज के पॉडकास्ट कथा मंजरी श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है मैं हूं अजीत और मैं विमलेश आप सबो को हमारा बहुत बहुत नमस्कार तो श्रोताओं करते हैं आज की <coughs> <हुँ>। <coughs> तो प्रस्तुत करते हैं आज की कहानी आज की कहानी तो कहानी इस प्रकार से है यूनान देश में एक लड़का रहता था एक गांव में वो जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को पास वाले शहर के बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था एक दिन की बात है एक विद्वान व्यक्ति बाजार से जा रहा था उसने देखा कि उस बालक का गठर बहुत ही कलात्मक रूप से बंधा हुआ है वह विद्वान आदमी गठर को बांधने की कलात्मकता को देखकर बहुत प्रभावित हुआ उसने उस <coughs> उसने उस लड़के से पूछा क्या ये गठर तुमने बनाया है लड़के ने जवाब दिया जी हाँ मैंने ही बांधा है मैं दिन भर लकड़ियां काटता हूँ स्वयं गठर बांधता हूँ और रोज शाम को गठर को बाजार में बेच देता हूँ दोबारा रिपीट कर लेते हैं <laughs> जी हाँ मैंने ही बांधा है मैं दिन भर लकड़ी काटता हूँ स्वयं गठर बांधता हूँ और रोज शाम को गठर बाजार में बेचता हूँ स्टॉप कर दीजिए तो यहां तक हम, हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया और आपने देखा होगा काफी डिस्टर्बेंसेस जानबूझ के हाँ जानबूझ के हम लोगों ने क्रिएट की और अब लेट अस सी हाउ टू एडिट इट तो अब इसको एडिट करने का समय है अब इसको एडिट करते हैं तो एक बार मॉस को एक बार फिर से हम देखेंगे और आ, सबसे पहले एडिट करने के आपको रिक्वायर्ड पोर्शन को सेलेक्ट करना होगा जी तो सेलेक्ट कैसे करेंगे आ पहले आप हम पहले जाएंगे आई में आई आप, आप सभी श्रोताओं का आज के पॉडकास्ट हम्म <laughs> हम्म एक सेकंड रुक लेते हैं आ, आई में जाएंगे सबसे पहले आई इज आप नीचे देख रहे होंगे दिस इज सिलेक्शन टूल हाँ आई पर जब आप कल, आ, क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन टूल आ, आपको दिखाई देगा आई जो है और उससे हम आ, जो हमारा ट्रैक है वहां पे अनवांटेड एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे जो हाँ, हमें नहीं चाहिए जो हमें डिलीट करना है आपका एक जवाब चाहिए होगा इस समय की हमारी आवाज़ तो आपको आ रही है लेकिन रिकॉर्डिंग की आवाज आपको आ रही है कि नहीं हाँ रिकॉर्डिंग वाली वॉइस आप सुन पा रहे हैं क्या अच्छा दोबारा रिपीट करने के बोल रही है आई से हाँ आई से आ, हम आई पर जाएंगे आई एक आप आ, माउस के मूवमेंट को देख रहे होंगे तो आई आपको सिलेक्शन टूल है आप सिलेक्शन टूल को देखेंगे तो जो अनवांटेड नॉइस है जैसे आप चला के देखेंगे पे एक बार चला के दिखा देते हैं स्पेस से से चलाया है का आज के पॉडकास्ट हम्म दोबारा हाँ यहाँ तक जहां तक हमने टेक टू बोला ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे फंबल्स थे जहाँ पे हमारा करेक्शन भी रिक्वायर्ड थे तो हमने आई टूल से उसको ऐसे ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा मूवमेंट माउस मूवमेंट के साथ कि ये व्हाइट कलर का सेलेक्ट हो गया है हुँ. अब आप इसमें डिलीट बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा ये डिलीट हो गया डिलीट हो गया है आप देखेंगे वो डिलीट हो गया स्पेस बार से हम दोबारा चला के दिखाते हैं आप सभी श्रोताओं का आज के पॉडकास्ट कथा मंजरी श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है मैं हूँ अजीत और मैं विमलेश आप को हमारा बहुत बहुत, बहुत नमस्कार तो श्रोताओं प्रस्तुत करते हैं आज की तो श्रोताओं तो ये भी अनवांटेड है ये पूरा ये यहाँ से पहले इससे भी यहाँ से यहां तक ये भी अनवांटेड था हमने इसको भी डिलीट कर दिया है अभी हम सुन के देखेंगे अब थोड़ा बैक से चलाइए थोड़ा सा बैक से चला दीजिए और मैं विमलेश आप सबों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार तो श्रोताओं प्रस्तुत करते हैं आज की कहानी आज की कहानी तो कहानी इस प्रकार से है यूनान देश में एक लड़का रहता था एक गांव में वो जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को पास वाले शहर के बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था एक दिन की बात है एक विद्वान व्यक्ति बाजार से जा रहा से था, था। उसने देखा कि उस बालक का गठर बहुत ही कलात्मक रूप से बंधा हुआ है वह विद्वान आदमी गठर को बांधने की कलात्मकता को देख बहुत प्रभावित हुआ उसने उसने उस लड़के से पूछा दोबारा से आप अनवांटेड नॉइज जैसे कि खांसना या थोड़ा सा फंबल हुआ था हम उसको दोबारा से आई टूल से सेलेक्ट करने के बाद उसको हम कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर रहे हैं और वो डिलीट होने के बाद अपने आप में ये सारा मर्ज हो जाता है मर्ज है सुनिए एक बार सुन लेते कि हैं कलात्मकता को देखकर बहुत प्रभावित हुआ उसने उस लड़के से पूछा क्या ये गट्ठर तुमने बनाया है लड़के ने जवाब दिया जी हाँ मैंने ही बांधा है मैं दिन भर लकड़िया काटता हूँ स्वयं गठर बांधता हूँ और रोज शाम को गठर को बाजार में बेच देता हूँ दोबारा रिपीट कर लेते हैं <coughs> जी हाँ, जी हाँ, मैं... जी हाँ। मैं... ये हमने सेलेक्ट किया दोबारा से क्योंकि हमने रिपीट किया है पूरा सेंटेंस तो हमने ये सेलेक्ट किया और इसको भी डिलीट कर दिया आ, क्योंकि डायलॉग डिलीवरी वैसी नहीं थी क्या ये गठर तुमने बनाया है लड़के ने जवाब दिया जी हाँ मैंने ही बांधा है मैं दिन भर लकड़ी काटता हूँ स्वयं गट्ठर बांधता हूँ और रोज शाम को गट्ठर बाजार में बेचता हूँ स्टॉप कर दीजिए ये ग�... ये भी हमने डिलीट कर दिया है तो अभी रोज हमारे रोज शाम को गट्ठर बाजार में बेचता हूँ हाँ। अभी हमारे पास स्पोकन वर्ड्स फाइनल है हाँ। जो हमने बोला वो फाइनल है एडिटेड वर्जन हमारे पास है अभी एडिटेर्ट थोड़ा बीच में लेकर के आएंगे। बीच में थोड़ा थोड़ा और अगर ट्रैक को छोटा कर ऊपर वाला ट्रैक भी हाँ, ये सामने में है, है और आप अगर ये ट्रैक में जहाँ पे आप फाइल्स देख रहे हैं जहां हमारी तो आप इसको हैंड टूल के माध्यम से आप इधर उधर मूव कर सकते हैं एक बार आप इसको आगे पीछे ले जा सकते हैं खिसका सकते हैं इसको आ, इसको और थोड़ा छोटा कर सकते हैं मतलब ये <coughs> स्क्वीज हाँ, हाँ। हाँ। क्या ये था थीक? सर कांट अंडरस्टैंड व्हाट दिखाना एक बार हाँ, एक बार मैसेज दिखाओ हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड साउंड सर कांट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर इट डिलीट नहीं डिलीट करने के लिए यू हैव टू गो टू द सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड e में डिलीट आपको सेलेक्ट कर करके इसे कोई भी पोर्शन अभी हमने सेलेक्ट कर लिया यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ द माउस एंड इफ यू प्रेस डिलीट आप इसको डिलीट तो कर सकते हैं तो ये आपका डिलीट हो गया लेकिन क्योंकि इट इज द एडिटेड वर्जन सो वी हैव नाउ वी डिड इट अंडन तो ये आपका uh, हम फिर वापस आ गए अब यहां देखते हैं ये पूरा आपका एडिटेड uh, वर्जन है जी. और एडिटेड वर्जन एक बार इसको सुन लेते हैं आप सभी श्रोताओं का आज के पॉडकास्ट कथा मंजरी श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है मैं हूं अजीत और मैं विमलेश आप सबो को हमारा बहुत बहुत नमस्कार तो श्रोताओं प्रस्तुत करते हैं आज की कहानी आज की कहानी तो कहानी इस प्रकार से है यूनान देश में एक लड़का रहता था एक गांव में वो जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को पास वाले शहर के बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था एक दिन की बात है एक विद्वान व्यक्ति बाजार से जा रहा था उसने देखा कि उस बालक का गठर बहुत ही कलात्मक रूप से बंधा हुआ है वह विद्वान आदमी गठर को बांधने की कलात्मकता को देखकर बहुत प्रभावित हुआ उसने उस लड़के से पूछा क्या ये गठर तुमने बनाया है लड़के ने जवाब दिया जी हाँ मैंने ही बांधा है मैं दिन भर लकड़ी काटता हूँ स्वयं गठर बांधता हूँ और रोज शाम को गठर बाजार में बेचता हूँ हाँ, तो 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 इसको पूरा इसलिए सुना कि कि हम ensure करते हैं कि बीच में और छूटा नहीं है है ना अभी सर मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा ना म्यूजिक ऐड करते हैं सर हल्का सा म्यूजिक चाहिए बिल्कुल क्योंकि ऐसे भी चलेगा ऐसे भी ऐसे चलेगा लेकिन अगर म्यूजिक का फ्लेवर होगा तो और अच्छा लगेगा तो हल्की सी म्यूजिक यदि डाल दें तो इसका फ्लेवर कुछ और हो जाएगा ये कुछ और सुनाई पड़ेगा हाँ. तो म्यूजिक डालने के लिए क्या करना पड़ेगा ये तो एक ट्रैक है हाँ. तो वी नीड टू क्रिएट वन मोर ट्रैक अनदर ट्रैक yes, हाँ तो अनदर ट्रैक कैसे हम क्रिएट करेंगे देखते हैं जी वी गो टू ट्रैक और एड न्यू जहां पर है एड न्यू अगेन क्लिक ऑन द मोनो और ये नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है एक ट्रैक यहाँ पर अब आ गया है जी राइट right. तो अब म्यूजिक हम कैसे ऐड करेंगे सर म्यूजिक के लिए uh... हमारे पास डेस्कटॉप में ऑलरेडी एक म्यूजिक है अच्छा यानी पहले से मुझको हाँ, सेव करके हाँ, रखना हाँ, पड़ेगा पड़ेगा हाँ, आपको हाँ. जो भी सिस्टम है आपका उसमें आपके पास म्यूजिक होना चाहिए तभी आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपने बिल्कुल 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 तो अभी हम फाइल में जाएंगे इम्पोर्ट करने के लिए फाइल में गए तो पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा ओके फाइल में हम इंपोर्ट का टगल डाउन करेंगे तो आप नीचे आप इंपोर्ट का ऑप्शन देखेंगे इम्पोर्ट में हमारे पास चार ऑप्शन आ रहे हैं ऑडियो मिडी लेबल्स एंड एंडा तो हम ऑडियो सेलेक्ट करेंगे इसके लिए ऑडियो में गए तो ये हमें डेस्कटॉप डेस्कटॉप की लोकेशन शो कर रहा है desktop पे हमने यहाँ पर आप किसी और ड्राइव में भी कर सकते पर थे? भी रख सकते हैं हाँ, आप है ना न हाँ। आप देखेंगे कि हमने ये जो म्यूजिक है पियानो डॉक्यूमेंट्री के नाम से हमने म्यूजिक सेव कर रखा है इसमें डेस्कटॉप पर हुँ। तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद ओपन पर पढ़ाएंगे ओपन करेंगे इसको ओपन और आप देख रहे हैं कि ये वहां से इम्पोर्ट हो रहा है यस yes. और ये म्यूजिक यहाँ पर आ गया आ गया दिस इज द म्यूजिक फाइल अब जरूरत है कि दोनों जो फाइल है उसको हम एक साथ देख सके जी. तो हम हम दोनों को भी ठीक कर लेते हैं अच्छा जो म्यूजिक का जो पोर्शन था जो म्यूजिक फाइल थी बहुत बड़ी थी, बड़ी थी। बड़ी तो हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया और अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों और ऐसे व्यू में व्यू में ले आते हैं

इसको सुन लीजिए पहले आप सभी श्रोताओं का आज के पॉडकास्ट कथा मंजरी श्रृंखला में हार्दिक स्वागत एक है। मिनट स्टॉप कर देते हैं अभी क्या है कि वर्ड्स के नीचे जो म्यूजिक है थोड़ा सा लेवल हाई है उसका क्योंकि वर्ड्स को वो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं वर्ड्स उससे डिस्टर्ब हो रहे डोमिनेट हाँ, कर, कर रहे हैं कम सुनाई पड़ रहे हैं हाँ, उसके लिए हम क्या करेंगे इसमें एक टूल आपको दिखाई देगा जो इटैलिक आई टाइप है दैट इज एनवल्प टूल आपको सिलेक्शन टूल के इसको बाद सिलेक्शन इसको 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 तो टूल हाँ. के बाद आपको एक इटैली का एनवल टूल आप एनवल्प टूल पर क्लिक करेंगे तो आपका ट्रैक बदल गया बिल्कुल थोड़ा सा बोल्ड आप ब्लू देख सकते हैं जी सर तो अब माउस के मूवमेंट को देखेंगे कि सबसे पहले जो आपका ब्लैंक एरिया है वहां पर माउस का मूवमेंट है सबसे पहले ऊपर का जो ब्लैंक एरिया है और अब माउस आएगा वहां पर जहां से कि हमारी वॉइस स्टार्ट हो रही है आप इसे फॉलो कर सकते हैं यहाँ जब क्लिक करेंगे तो बेसिकली इट इज ऑटोमेशन ऑटोमेशन या ये वॉल्यूम लेवल है एक्चुअली कहें तो तो ऐसा करके हमने इसको लॉक कर लिया एक अब... बार क्लिक करने के बाद ये लॉक हो जाएगा हाँ फर्स्ट आपने क्लिक किया लॉक होने के बाद फिर आप जहां से चाहते हैं वहां लॉक कीजिए और फिर उसके बाद ये अगर आप नीचे डाउन करेंगे ड्रैग डाउन करेंगे तो हाँ। ये इसका जो म्यूजिक का लेवल है आप देख रहे होंगे हाँ। ये डाउन हो रहा है उसकी वॉल्यूम कम, कम हो जाती है। वॉल्यूम कम हो जाती है तो अब... थोड़ा सा और कम कर देते हैं हाँ हम्म अब इसको सुनते हैं? सुनिए अच्छा ठीक है चला दीजिए आप सभी श्रोताओं का आज के पॉडकास्ट कथा मंजरी श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है मैं हूं अजीत और मैं विमलेश आप सबो को हमारा बहुत बहुत नमस्कार तो श्रोताओं प्रस्तुत करते हैं आज की कहानी आज की कहानी तो कहानी इस प्रकार से है यूनान देश में एक लड़का रहता था एक गांव में वो जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को पास वाले शहर के बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था तो अभी आपको कैसा लगा uh, एक सवाल है कि डू यू वॉन्ट द म्यूजिक लेवल टू बी लिटिल बिट मोर लो और हाई ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है आपके चॉइस पर डिपेंड करता है एक बार फिर से हम वहां पर आते हैं जहां से हमने लॉक किया है और ये ऑटोमेशन को एक बार फिर से हम देखते हैं कि हाउ वी कैन चेंज इट हाँ जी हाँ देखिए ये आपका ऊपर नीचे हो रहा है और जहां पर हमने लॉक कर दिया सबसे फर्स्ट लॉक में जाएंगे सबसे फर्स्ट लॉक uh, मतलब यहाँ अगर हमने लॉक कर दिया उसका मतलब उसके उधर वो हिलेगा नहीं ऑटोमेशन विल बी स्टेबल और अब यहाँ पर हमने डाउन किया तो थोड़ा सा और डाउन कर देते हैं राइट एक बार फिर से बीच में सुन लेते हैं थोड़ा सा राइट आप सभी शो करता था एक दिन की बात है एक विद्वान व्यक्ति बाजार से जा रहा था उसने देखा कि उस बालक का गट्ठर बहुत ही कलात्मक रूप से बंधा हुआ है वह विद्वान आदमी गट्ठर को बांधने की कलात्मकता को देखकर बहुत प्रभावित हुआ उसने उस लड़के से पूछा क्या ये गठर तुमने बनाया है लड़के ने जवाब दिया जी हाँ मैंने ही बांधा है मैं दिन भर लकड़ी काटता हूँ स्वयं बांधता हूँ और रोज शाम को गठर बाजार में बेचता हूँ आप सभी लेते हैं। हाँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट समझिए कि स्टोरी यहाँ फिनिश होगी और अब हम चाहते थे कि इसका एंड जो है वो म्यूजिक से हो तो हाउ टू डू तो नीचे देखेंगे यहाँ पर मॉस की मूवमेंट फिर से और वहां पर हमने लॉक कर दिया मॉस को आप देख रहे होंगे वहां पर लॉक करने के बाद अब थोड़ा सा आगे से इसके लेवल को हम उठा सकते हैं अब इसको हम उठा सकते हैं तो उसका मतलब ये है कि अब जो आपका प्रोग्राम है ये इट इज गोइंग टू बी कंक्लूडेड विद द म्यूजिक पीस लेकिन इसको हम थोड़ा सा फेड इन भी कर सकते हैं ये आपको फेड आउट कर सकते हैं लास्ट का हिस्सा ये आपका फेड आउट हो गया नहीं तो हम इसको ओपन एंडेड ना छोड़े म्यूजिक ऐसी एंड होनी चाहिए कि स्मूथ एंड हो जैसा हम लोगों ने स्टार्ट किया है अब इसके एंड के हिस्से को सुनते हैं एंड और रोज शाम को गठर बाजार में बेचता हूं ओके ठीक है। तो यहां तक आगे आ, एक रिक्वेस्ट आ रहा है प्लीज रिपीट तो और एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं हल्का सा कि शुरू में हमने रिकॉर्ड किया जी। आ, सबसे ऊपर वाला माउस जहां मूव कर रहा है वहां देखें

सेव करके रखना चाहिए सो दैट वी कैन इम्पोर्ट दैट तो उसके लिए हम गए यहाँ पर बिल्कुल हो गया। तो mm. तो so, में जाके और import क्या करना है? ऑडियो so, so, जो हम क्लिक करेंगे इट विल शो यू डेस्टिनेशन देन वी गो टू बहुत सारे यहाँ पर है तो एक पियानो डॉक्यूमेंट्री एम पी थ्री ये हम लोगों ने सेव करके रखा हुआ right. है तो एंड वेन वी क्लिक टू ओपन

जो ट्रैक है उसके साइज को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं hmm. आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको थोड़ा सा ये कर व्यू नीचे से हाँ hmm. नीचे से, नीचे से, नीचे से, नीचे से, राइट यहाँ से हम उठा सकते हैं तो नाउ द सीन इज वेरी क्लियर नाउ द सीन इज वेरी क्लियर कि एक तरफ आ, हमारा स्पोकन एडिट है एक तरफ म्यूजिक है वी आर रिपीटिंग दिस ना थोड़ा सा और अगर हम राइट हैंड साइड भी ले जाए इसको आ, नहीं नहीं ओके 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 तो नाउ वी विल गो टू द ऑटोमेशन द टूल इज एनवेलप uh, टूल से हम इसको सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर म्यूजिक है और इनिशियली क्या करते हैं वहाँ म्यूजिक का लेवल डाउन कर देते है हाँ, तो पहले हम शुरू के म्यूजिक के लेवल को उठाएंगे उठाएंगे और उसके बाद फिर हमने क्लिक हमने किया वहां पर हमने लॉक कर लिया द म्यूजिक लेवल म्यूजिक लेवल थोड़ा सा और कम कर देते हैं। आप सभी श्रोताओं का आज के पॉडकास्ट कथा मंजरी श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है मैं हूं अजीत और मैं विमलेश आप सबों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार तो श्रोताओं प्रस्तुत करते हैं आज की कहानी आज की कहानी तो कहानी इस प्रकार से है यूनान देश में एक लड़का रहता था एक गांव में वो जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को पास वाले शहर के बाजार में बेचकर अपना गुजारा अब एंड पार्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं अब इसके एंड पार्ट में आते हैं म्यूजिक बांधता हूँ और रोज शाम को गट्ठर बाजार में बेचता हूँ यहाँ पर हम बिल्कुल एंड में आ गए अगेन वी हैव सेलेक्टेड द एनवेलप टूल वी हैव लॉक्ड इट लॉक करने के बाद यहाँ से हम म्यूजिक के लेवल को उठा रहे हैं बट द एंड मस्ट ऑल्सो बी नॉट ओपन एंडेड तो यहाँ पर हमने इसको, इसको टेक्निकली बोलते हैं फेड आउट करना, out करना। We have faded out the music. रोज शाम को गठर बाजार में बेचता हूँ हाँ कमेंट्स आपके आ रहे हैं लगातार राइट right. तो अब हमारे सामने दो ट्रैक है जी सर। अब हमारे सामने दो ट्रैक है लेकिन अब ये यू कैन लिसन टू इट यू कैन एंजॉय टू इट ऑनली इन दर्किंग डायरेक्टरी नाउ हाउ टू पोस्ट इट उ टू कन्वर्ट दीज टू ट्रैक्स इंटू वन जी सर इसको हम वन कैसे करें mm. क्योंकि इट मस्ट बी डिस्पेस्ट इट मस्ट बी आई मस्ट से ट्रैक्स मस्ट बी कम्बाइंड टूगेदर एंड मस्ट बी वन ट्रैक अच्छा आई थिंक इट इज वेरी टिपिकल दिस टाइम वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दिंग्स बट वेन वी डू दीज थिंग नॉट बी डन सो इजिली हाँ actually practice uh, is required yes hannah uh, you need to do the continuous practice then uh, you can do the miracles okay. that's not a problem so now we are going to mix the tracks yes, sir. so how to do uh, we, uh, will, we will see to, that huh? we will go to the file and now toggle down you will see export export as mp3 export as wave export as ogg Uh, so हाँ, इसलिए हम करेंगे क्योंकि MP3 आपका compressed version है और कहीं भी इसको पोस्ट करने में या में डालने में या डालने हमको ये easy होता है। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता हाँ, है ज़्यादा नहीं, नहीं लेता है, है प्रॉपर्टी कम होती है इसकी। तो अब यहाँ पर ऑल ऑफ यू कैन कैन सी नाउ इट इज आस्किंग फॉर टाइटल फाइल नेम हाँ हाँ फाइल नेम तो वी कैन से दैट

तो उसका मतलब नाउ द सिस्टम हैज ऑलरेडी मिक्सड इट सो नाउ लेट अस लिसन टू दिस इस समय इसको सुनते हैं एक बार दिखा दीजिए डेस्कटॉप पे जहां जाके हम कर रहे हैं अच्छा विजिबल है ओके okay. अह यहां पर प्रोग्राम आ गया है ये आपका डेस्कटॉप है Uh, वहां से हम हमने इसको एक्सपोर्ट कर लिया जी. आ, और एक्सपोर्ट करके अब हमने इसको डेस्कटॉप में रखा और अब इसको सुन के देखते हैं जी आप सभी श्रोताओं का आज के पॉडकास्ट कथा मंजरी श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है मैं हूं अजीत और मैं विमलेश आप सबो को हमारा बहुत बहुत नमस्कार तो श्रोताओं प्रस्तुत करते हैं आज की कहानी आज की कहानी तो कहानी इस प्रकार से है यूनान देश में एक लड़का रहता था एक गांव में वो जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को पास वाले शहर के बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था एक दिन की बात है एक विद्वान व्यक्ति बाजार से जा रहा था उसने देखा कि उस बालक का गठर बहुत ही कलात्मक रूप से बंधा हुआ है वह विद्वान आदमी गट्ठर को बांधने की कलात्मकता को देखकर बहुत प्रभावित हुआ उसने उस लड़के से पूछा क्या ये गठर तुमने बनाया है लड़के ने जवाब दिया जी हाँ मैंने ही बांधा है मैं दिन भर लकड़ी काटता हूँ स्वयं गठर बांधता हूँ और रोज शाम को गट्ठर बाजार में बेचता हूँ ओके तो अब नाउ वी ट्रैक्स इफ वी गो टू थ्री और फोर दैट कैन आल्सो बी डन बट वी विल सजेस्ट यू टू डू मोर प्रैक्टिस ऑन दैट अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी होगा बट दीज आर द फंडामेंटल्स दीज आर द फंडामेंटल्स अगर कुछ और सवाल है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं है ना तो इसके द्वारा हम रिकॉर्ड कर सकते हैं सब कुछ अच्छा क्या इसका यूज क्या होगा व्हाट कैन वी डू इन दिस मतलब व्हाट शुड वी रिकॉर्ड व्हाट डू यू सजेस्ट ऑडियो के लिए हम कोई कंटेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं कोई कहानी हो सकती है कोई कहानी है? हो सकती है कोई भी आपको लगता है कि राइम देनी सुनानी है बच्चों को आप राइम रिकॉर्ड कर सकते हैं आप एक डिस्कशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आप एक टॉक रिकॉर्ड कर सकते हैं अच्छी कहानी कर सकते, अच्छी सकते कहानी हैं कहानी कर सकते हैं, हैं।, हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है अभी एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है की अगर पीछे से अगर बच्चे के रोने की आवाज आ गई बाई चांस रिकॉर्डिंग में तो उसको कैसे हटाया जा सकता है तो इसके लिए सर एक सजेशन है कि हमें ट्राई करना है एट टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग कि एक जो हमारा रिकॉर्डिंग प्लेस है एंश्योर एंश्योर करना है कि वो साइलेंट हो बिल्कुल वहां पे कोई भी डिस्टरबेंस ना हो तो क्योंकि एट टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अगर वो एक्स्ट्रा नॉइसेस आ गई हैं तो उनको हंड्रेड परसेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड हम उनको रिमूव नहीं कर सकते थोड़ा किसी हद तक थोड़ा डाउन जरूर कर सकते हैं लेकिन उनको हटाया नहीं जा सकता इसलिए हमें मेक श्योर sure करना है बिफोर रिकॉर्डिंग कि वो एक साइलेंट प्लेस ही हो हाँ, और कोई भी आपका एक कमरा या जहाँ पर शोर ना हो वो हाँ, जगह आपको, हाँ, हाँ, आपको चूज करनी आ, हल्का कोई है तो वो कुछ हद तक हट सकता है ये समझ में आता है कि हम लोगों ने कुछ उसको और किया तो ट्राई करें जैसा अभी बोला गया कि पहले इंश्योर करें कि जहां पर है वहां पर नॉइस कम हो और रूम बहुत हॉल जैसा ना हो जी हॉल जैसा होने से ये होता है कि जो नेचुरल रिवर्व है या इको है वो आ जाता है ट्राई करें कि विदाउट विदाउट इको आप रिकॉर्ड करें बाद में यदि डालना है तो उसको आप डाल सकते हैं और सर एक क्वेश्चन भी है कि म्यूजिक फ्री सोर्स टू डाउनलोड ओके एक तो हम सजेस्ट करते हैं की साउंड बाइबल डॉट कॉम है साउंड बाइबल डॉट कॉम ये आ, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं आ, आपको म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं काफी सारे जो आप फ्रीली आप ले सकते हैं मेरे लिए जैसे नेचर का साउंड है बर्ड्स हैं, है। एनिमल्स हैं, रिवर्स है है ना? थोड़े बहुत म्यूजिक भी है हाँ, तो हाँ, तो और उसके अलावा क्या है कि आप म्यूजिक के लिए जैसे आप गूगल पे लिखेंगे ये भी एक साइट है ये भी साइट है आपको इसमें मिल जाती है आपको रॉयल्टी फ्री लिखेंगे तो आपको रॉयल्टी फ्री म्यूजिक मिल जाएगा बहुत सारे होते हैं 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 अवेलेबल अवेलेबल जो म्यूजिक पीसेस बिल्कुल बिल्कुल उनको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से लेकिन रिक्वायरमेंट ये डेली अभ्यास करना चाहिए हाँ, अभ्यास आपको लगातार करना है और हाँ। उसके लिए ट्यूटोरियल्स भी हैं हमारे ये सेशन के बाद आप ट्यूटोरियल्स भी फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस करने के बाद

जब मैं एक सप्ताह प्रैक्टिस ना करूं तो क्योंकि मेरी वाइफ भी म्यूजिशियन है है तो वो जान जाती है कि प्रैक्टिस नहीं कर रही है। नहीं। लेकिन यदि मैं एक महीना प्रैक्टिस ना करूं तो पब्लिक तो को पता चलता है, yes. है ना तो पब्लिक को पता चलता है तो क्या कि जितना अभ्यास आप करते जाएंगे आपका अभ्यास ही बोलता है आवाज सुन लिया कल को यूज नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं हम तो सजेस्ट करेंगे इमिडिएटली आफ्टर दिस गो एंड आपका लैपटॉप मोबाइल स्टार्ट रिकॉर्डिंग समथिंग है ना अच्छी कविता कुछ अच्छा डिक्शन कुछ हुँ. अच्छी कहानी आप रिकॉर्ड करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं हुँ. अगर अभी से करेंगे तो आई uh, बिलीव कि आप बहुत कुछ उसमें कर सकते जी. हैं तो प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट हाँ एनी क्वेश्चन टफ होता है हुँ. हुँ. हाँ होता है mm -hmm. लेकिन बात है कि ऑडियो की पावर जैसा हम लोगों ने शुरू में बातचीत किया कि आफ्टर द सन रेज दीज आर ओनली द ऑडियो वेव्स और द रेडियो दैट कवर आई मीन प्लेनेट अर्थ तो इसको आप जितना और रादर वी वु इन्वाइट यू फॉर आई मीन डूइंग थिंग काइंड ऑफ एन अमेजिंग मेरेकल की यू कैन मेक एवरी वन सी थ्रू द आईज बट वी आर गोइंग टू पुट फोर्थ चैलेंज टू you uh, I mean, an, an kind of की yes. uh, uh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. आप कहा से दिखाइए Yes. लोगों को से अगर मान लिया म्यूजिक चलेगा सब कुछ रहेगा तो यू कैन फील द होलनेस ऑफ़ द प्रोग्राम। तो ये है और एनीथिंग uh, हाँ, <laughs> hmm? तो uh, इस घटना को जरूर याद रखिएगा एंड इफ आई डोंग टाइम है <laughs> तो, तो ऐसा ना होने पाए Yeah. ये करेंगे जरूर और ऑडियो के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करते जी. हैं थैंक यू वेरी मच और फिर से डीप इन आवर हार्ट वी डू बिलीव दैट वी शैल ओवरकम वी शैल ओवरकम वन डे हाथ ऐसे करेंगे दैट्स द वे टू सिंग अ सॉन्ग ऐसे करेंगे हाथ को एंड वी आर गोइंग टू सिंग अगर हर कोई अपना अपना ये खोल ले uh, अपना अपना कैमरा खोल लीजिए सो दैट वी कैन सी ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ यू सिंगिंग वी शैल ओवरकम वन डे टू

we shall overcome one day हम ना थोड़े से शाय हैं हाथ रख सकते हैं deep in our hearts हा? अब बोले deep in our hearts और ऐसे तो कहा है ना तो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट वी डू बिलीव वी शैल ओवरकम वन डे सो थैंक यू वेरी मच बहुत-बहुत धन्यवाद तो श्रोताओं इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम आपका क्रिएटिंग ई रिसोर्सेस फॉर ऑडियो हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है अभी आप सुन रहे थे सीआईटी आई द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में मैं अजीत और मेरे साथ विमलेश और हमारे तकनीकी सहयोगी आ, विकास।, विकास के साथ आप सबों से आज्ञा चाहते हैं क्योंकि इस समय आज्ञा नहीं देता तो आपसे तो लेनी पड़ेगा तो इस समय कहेंगे नमस्कार नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू